हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल को ग्राउंड और अर्थ कर क्यों रखा जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल आता कहाँ से है। बेसिकली जब भी आपने किसी भी ट्रांसफॉर्मर को देखा होगा तो वहां पे आपको ओनली थ्री वायर ही नजर आते होंगे। सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थ्री वायर ही नजर आते होंगे, एक आर वाई बी थ्री फेज आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर का इनपुट होता है वह डेल्टा कनेक्टेड होता है और ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है वह स्टार कनेक्टेड होता है। स्टार कनेक्टेड होने के कारण इन तीन फेज क्या होते हैं, इनको आपस में शॉर्ट करके यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि घरों के अप्लायंसेस चलाने के लिए जहाँ पे भी हमें 220 वोल्ट के सब अप्लायंसेस चलाना होते हैं वहाँ पे हमें न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल इस तरह मिलता है, तीनों फेज को आपस में शॉर्ट करके स्टार कनेक्टेड बनाकर हमें न्यूट्रल यहाँ से मिलता है। अब बात आती है कि हम जनरली इस न्यूट्रल को ग्राउंड करके या अर्थ कर क्यों रखते हैं। यदि हम इसे ग्राउंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह मेन टॉपिक है। तो बेसिकली इसके तीन रीजन होते हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसका जो मेन रीजन होता है, पहला रीजन होता है, वो होता है टू प्रोटेक्ट लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो यह लाइटनिंग और शॉर्ट सर्किट से कैसे प्रिवेंट करता है, पहले हम यह समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये तीन फेज है और तीनों फेज अलग अलग जगह पे कनेक्ट है। सपोज किसी भी फेज पर यदि कहीं पे भी लाइटनिंग आती है, यहाँ कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं पे भी लाइटनिंग हुई, तो क्या होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जनरेट होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जनरेट होने से क्या होगा, हमारे जो अप्लायंसेस है या जो भी ट्रांसफॉर्मर है या इससे कनेक्टेड जो भी लोड है उसे हमारे जनरली नुकसान हो सकता है। अब यदि हमने इस ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड कर रखा है तो क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं करंट ऑलवेज फ्लो लेस रेजिस्टिव पाथ, जहां पे लेस रेजिस्टेंस होता है करंट ऑलवेज वही पाथ को फॉलो करता है। अब हमने इस न्यूट्रल को ग्राउंड कर रखा है तो जो भी लाइटनिंग हुई है, जो भी शॉर्ट सर्किट हुआ, उसका जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगा वह इस अप्लायंसेस से यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस यहाँ पे लेस रेजिस्टिव पाथ है और यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, जिससे हमारे जो भी ट्रांसफॉर्मर है या जो भी कंपोनेंट है वह प्रोटेक्ट रहेगा। तो इसका मेन रीजन यही होता है कि लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करने के लिए कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है तो वह ग्राउंड हो जाता है। अब यदि हमने इसे ग्राउंड नहीं किया होता तो क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यहीं पर आता, इससे कनेक्टेड जो भी लोड है वह भी, उसका भी नुकसान होता, प्लस ट्रांसफॉर्मर को भी क्षति हो सकती थी। इसीलिए हम जनरली इसे शॉर्ट करके या जनरली न्यूट्रल को ग्राउंड करके रखते हैं। इसका दूसरा रीजन हम समझ लेते हैं। चलिए इसका जो दूसरा रीजन होता है वह होता है मेंटेन न्यूट्रल बैलेंसिंग। न्यूट्रल का जो बैलेंस होता है उसे मेंटेन करने के लिए वह किस तरह होता है समझ लेते हैं। सपोज अभी हमने जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है ये तो हमें पता है कि जनरली थ्री फेज से ही बना हुआ है इन तीनों को शॉर्ट करके। अब सपोज यह जो आर फेज है इससे कोई भी, सपोज 200 एम्पीयर लोड कनेक्ट है, जो बी फेज है यहाँ पे हमने मान लिया कि 300 एम्पीयर लोड कनेक्ट है, अब हमने माना इस फेज पे 500 एम्पीयर लोड कनेक्ट है, तो ये हमने देखा कि जो फेज है सभी पे अलग अलग लोड कनेक्टेड है। अब चूंकि न्यूट्रल तो इसी से मिलकर बना है, यदि इसे ग्राउंड नहीं किया है तो क्या होगा, तो देखिए इसका वोल्ट, इसका एम्पेयर अलग, इसका एम्पेयर अलग और इसका एम्पेयर अलग, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल बना है वह अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल का जनरली जो वोल्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट इस कंडीशन में यदि हमने इसे ग्राउंड कर नहीं रखा है तो इसका वोल्टेज जीरो ना होकर इसमें कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट या कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा जिसके कारण इससे कनेक्टेड जो भी लोड है वहां पे एग्जैक्ट 220 या 240 वोल्ट ना जाके कुछ वोल्ट ज्यादा जाएगा, जिससे हमारा जो भी कनेक्टेड लोड है उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि बेस जो फेज है, फेज पे लोड अनबैलेंस है। अब यदि हमने इसे न्यूट्रल कर रखा है, सपोज हमने इसे न्यूट्रल कर रखा है, तो क्या होगा, उसे इस न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे इस पे कितना भी लोड कनेक्ट हो, इस पे कितना भी लोड कनेक्ट हो, इस पे कितना भी लोड कनेक्ट हो, क्योंकि जो हमारे पास एक हमने इसे ग्राउंड कर दिया था, एक स्ट्रांग न्यूट्रल हमें पहले से ही मिल गया है। अब यह न्यूट्रल चाहे अनबैलेंस भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रांग अलग से न्यूट्रल प्रोवाइड है, जिससे हमारा न्यूट्रल जो है बैलेंस रहेगा और इससे कनेक्टेड जो भी लोड है उसका पोटेंशियल हमेशा, जो भी वोल्टेज है वो एकदम 220 या 240 जो भी है फिक्स्ड रहेगा, उसे इस न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं रहेगा। यही इसका दूसरा मेन रीजन था, मेंटेन न्यूट्रल बैलेंसिंग। तीसरा होता है प्रोटेक्ट हाई वोल्टेज। कैसे प्रोटेक्ट हाई वोल्टेज करता समझ ले, चलिए हाई वोल्टेज कैसे आएगा और किस तरह प्रोटेक्ट करेगा यह समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर अभी हमने न्यूट्रल को ग्राउंड कर नहीं रखा है, उस कंडीशन में समझ रहे हैं जब न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया है,
अब क्या होता है, जनरली न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं कहता, हमारे पास ये न्यूट्रल नहीं है, जो भी न्यूट्रल है ओनली इन थ्री फेज का ही हमारे पास न्यूट्रल है। अब सपोज यह फेल, ये फेज कहीं से फेल हो गया, या ये फेज कोई भी एक फेज हमारे पास फेल हो गया, फेल होने की कंडीशन में क्या होगा, अब चूंकि न्यूट्रल तो इन्हीं तीन फेज से बना है, अब यहाँ पे न्यूट्रल हमारे पास जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि ये फेज फेल हो गया है, इन तीनों फेज के शॉर्ट होने से ही हमें न्यूट्रल मिला था। अब ये फेज फेल होगा तो हमारे पास जो न्यूट्रल होगा वह न्यूट्रल वर्क नहीं करेगा, जिससे इससे कनेक्टेड जो भी लोड होगा, सपोज हमने इससे कनेक्टेड जो भी लोड रखा है उसके ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, तो सपोज हमारे पास 220 वोल्ट जा रहा था, तो 220 इंटू अंडर रूट 3 वोल्ट जाएगा, जिससे क्या होगा 381.04 वोल्ट जाएगा, जिससे हमारा जो भी कनेक्टेड लोड है वह उड़ सकते हैं या उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा यह फेज एक फेल हो गया है और न्यूट्रल इन तीन फेज से ही बना था, तो जिससे हमारे कंपोनेंट को नुकसान हो सकता है। बट यदि हमने इसे न्यूट्रल को ग्राउंड कर रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, चाहे ये फेज फेल भी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इससे कनेक्टेड जो भी लोड है वह अपने आप स्टॉप हो जाएंगे, और जो भी न्यूट्रल हमारा बना था, क्योंकि इससे तो हमारा न्यूट्रल वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है बट पूरा पूरी तरह डिपेंडेंस न्यूट्रल के ऊपर नहीं है। अब क्या होगा कि यह फेज हमारा चाहे फेल भी हो जाए तो हमारे जो न्यूट्रल बना हुआ था वह यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बना हुआ है, जिससे यहाँ से उसे न्यूट्रल मिलता रहेगा, और हमारे जो भी इस फेज के लोड कनेक्टेड है वह भी चलते रहेंगे, इस फेज के कनेक्टेड जो लोड है वह भी चलते रहेंगे। यह फेज फेल होने से इस फेज के जो भी लोड है वह स्टॉप हो जाएंगे बट उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो यही तीन मेन रीजन थे जो कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड करने से होते हैं। तो प्रोटेक्ट लाइटिंग एंड शॉर्ट सर्किट होता है, दूसरा होता है मेंटेन न्यूट्रल बैलेंसिंग, न्यूट्रल को बैलेंस करने के लिए, और तीसरा होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज। फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।